हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर एक और न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। तो हालांकि आज ब्लॉग बहुत देरी से स्टार्ट हो रहा है और रात के 1 बजे ने भाई, तो मेरे को नींद नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैगी बना लेते हैं। और मैगी घर के अंदर नहीं बनाते, इसलिए बाहर बनाने के लिए इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पे आ रखा हूँ। लोकेशन भले ही मेरे घर की हो, लेकिन भाई खूबसूरत है, यहाँ से व्यू काफी शानदार है। कुछ कुछ लाइट बंद हो चुकी है, कुछ कुछ ऑन है। मेरा पूरा गाँव दिखता पीछे साइड, तो काफी अच्छा हवा चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आज बेसिकली वैसे तो कैंपिंग करने का काफी ज्यादा टाइम से मन था, लेकिन हम लोग घर ही पर अपना वो शौक पूरा कर लेते हैं। कैंपिंग पे सबसे ज्यादा मेरे को फेवरेट चीज जो लगती है वो लगती है भाई कुकिंग। हाँ जी, तो भाई रेडी है हम अपने सब चीज सामानों के साथ। सबसे पहले तो मैट बिछा लेते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस है अपने में भाई। सही में अपना सामान निकाल के ला रखा हूँ अंदर अपने कैंपिंग वाले बैग से। तो लो भाई अपना और बाकी का सामान भी आ चुका है, और इसको भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं भाई। मैंने बहुत कुछ रख दिया है यहाँ पर, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ कि हम आज क्या क्या चीज से यूज करने वाले हैं। यू ऑल कैन सी, सबसे पहले तो भाई अपना ये मसाला बॉक्स हो गया, इसी से मसाले बाहर निकाले हैं, मसाले हो गए। ये भाई अपना कैन हो गया, हर बार की तरह वही वाला गैस कैन, ये देखो, ठीक है। और ये अपना यूटेंसिल्स हो गए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब के बाद इस पे बनाने की जगह इस पे बनाएंगे तो भाई कैसा रहेगा। ये है भाई अपनी क्या बोलते हैं, कढ़ाई, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया भाई अपना बनाने के लिए चूल्हा, जिस पर हम बनाएंगे, और ऑयल एज वेल, हर बार की तरह इस बार मैं ऐसे कैरी कर रहा हूँ। और ये कुछ सामान जो कि मेन रहता है भाई स्वादिष्ट मैगी बनाने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मैगी, वो भी फैमिली पैक वाला। साथ ही साथ मैंने छाता भी रखी है, और ये पानी की बोतल हो गई, ठीक है। पानी भर के लाते हैं सबसे पहले, तो भाई इन चीजें अपने पास आ चुकी हैं, सिर्फ हमें पानी लाना है नीचे से नल से, फ्रेश फ्रेश वाटर लेके आते हैं। झलमल ज्योति को दर्शन दिए, यही वाला पानी अभी मैं कहीं तालाब से भर रहा होता, अगर मैं कहीं अच्छी जगह जंगल पे या कहीं कैंपिंग पे जा रहा था। कोई नहीं भाई, अपना नेचुरल स्रोत है, भी एकदम शुद्ध पानी आता है नल पर, वो भी भाई पहाड़ों के बीच से है अपना कनेक्शन। कभी अपने नल कहाँ, हमारा नल का पानी कहाँ से आता है वो भी आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। तो भाई मैं लगाने के लिए टेंट लगाने वाला था, लेकिन आज टेंट कोई ले जा रखा है, तो इसकी वजह से जो है कि आज टेंट नहीं लगेगा। आज ये छोटा अपना मिनी सेटअप है, इसके साथ हम लोग आराम से अपना ये करेंगे। और अगर टेंट रहता तो मैं नाइट का एक्सपीरियंस लेने वाला था कि बाहर ठंड कैसी है करके, लेकिन कोई नहीं, किसी और दिन देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपनी भाई एक कढ़ाई है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई कढ़ाई पे मैगी बनाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट ना इसी के अंदर आता है भाई, क्योंकि भाई लोहे की कढ़ाई है एकदम, तो इस पे और ही टेस्ट रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। ऐसे वैसे अपनी और सारी चीजें भी खोल लेते हैं जो कि मेन चीजें होती है। मैंने परसों ही एक कैंपिंग अपनी सारी एसेसरीज दिखा रही हैं, तो उनको आज यूज करने का टाइम आ रखा है भाई। तो ये अपना गैस हो गया भाई, ये देखो, ठीक है, अपना एकदम खुल चुका है, सेट है। तो ये जो इसकी इधर पे एक अटकाने के लिए बना रखा है पहले से, और इस पर भी ये बना रखे हैं, तो इसको सिंपली इसी के अंदर फिट करना रहता है। तो ये और देखना, ठीक है, ये ओ भाई ये खुला है पहले से, यार इसको बंद कर लो भाई। और भाई इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है ना ये, देखो ये गैस की वजह से, हाँ अब हो गया। इतना पानी कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, तो भाई पैकेट इतना बड़ा है भाई, बर्तन अपना बहुत छोटा है, मेरे को लग रहा है नीचे से बड़ी वाली कढ़ाई लानी पड़ेगी। सच बताऊं तो भाई विंड बहुत ही ज्यादा है भाई, कुछ हद से ज्यादा विंड है। ओ भाई तो भाई जब तक अपना ये मैगी भाई साइड को रख देते हैं, ये होती उबलती है, तभी तक हम लोग भाई अपना प्याज टमाटर जो भी है ये सारा कुछ कट कर लेते हैं। टमाटर डन है, शिमला मिर्ची भी डन है,
ऐसे आप लोगों को हवा की आवाज आ रही होगी भाई, इतनी तेज हवा चली है सर 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 वाली। मैंने जो डेली अपलोडिंग का चैलेंज लिया था तो उसको भाई हो गए हैं एक हफ्ते, हमने नॉन स्टॉप भाई एक हफ्ते सक्सेसफुली ब्लॉग्स बनाए हैं भाई। इस मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं थैंक्स कहूँगा उस सब्सक्राइबर का जिसने मेरे को बोला था कि भाई ये चैलेंज लो करके, उनकी वजह से मैं भाई ये चैलेंज के लिए काम कर रहा हूँ भाई, वर्क कर रहा हूँ चैनल पर। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि भाई अभी छोड़े हम। पता है क्या, शिमला मिर्ची से ना जो स्वाद आता है भाई मैगी में, पूछो मत भाई, ओपी एक नंबर आता है भाई लेवल का। प्याज भी काटनी बाकी है, बस सबसे पहले वैसे प्याज काटनी थी लेकिन कोई नहीं। और भाई यहाँ देखो भाई सारे शिमला मिर्ची के भाई सेंटर के बीज हैं भाई, ये सब यहीं रह गए हैं, इतने पुराने चाहिए थे सच बता। तो भाई अपना प्याज भी डन हो चुका, फटाफट से मैगी बनाते हैं भाई। कि भाई ऑल डन, प्याज रेडी है, शिमला मिर्च रेडी है और टमाटर रेडी है भाई, टमाटर। तो भाई अपनी भाई ये तो रेडी है भाई, ठीक है चलो। ये हवा भाई आज कुछ ज्यादा ही तेज चली, मैंने सोचा था हवा पे फील लेते हुए करूंगा। तो भाई अपना ये लगभग लगभग तेल हो चुका है, इस पर फटाफट से प्याज डालते हैं अपना। कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है भाई, तो हमने वो लास्ट पे देख रहे हैं भाई वहां सेट कर दिया है कहाँ क्या वो, तो वहीं पर बनाते हैं भाई, क्योंकि आराम से हवा में खा लेंगे, लेकिन हवा में खाना नहीं बन सकता क्योंकि हवा कुछ ज्यादा ही तेज है, आप लोग को लग ही रहा होगा भाई। वो आप डाल देते हैं इस पर टमाटर अपने। एक बात कहूं भाई, जो सच्चाई है ना सच्चाई है, देखो भाई मैं अब इसको ले आ रहा हूँ अंदर, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल गया यार, हमारा भाई प्लान फेल हो रहा है भाई, नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि अगर हम एक हिसाब से अगर लकड़ी वाली भी आग लगाए रखते तो भाई चल जाता, लेकिन इस पे भाई बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है गैस का, इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज हवा है भाई। फटाफट नमक डाल देते हैं इस पे ताकि गल जाए। ला रखा था नई वाली मैगी की बात, तो इसका भाई टेस्ट की खुशबू भाई क्या आ रही है मेरे अपने, कढ़ाई भर के बनी है भाई अपनी मैगी। फिर से हम उसी जगह पे आ गए हैं भाई, अपनी मैगी है रेडी, अब हम इसको परोसते हैं। अपनी मैगी हो चुकी है रेडी, फटाफट से इसको परोसते हैं भाई। ये देखो भाई काफी शानदार दिख रही है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है, लेट्स टेस्ट इट, देखते हैं। आप दिखाने का मन कर रहा था भाई, खा सकते हैं, काफी दिखने में तो अच्छी लग रही है, आप टेस्ट करके ही बताइए पता चलेगा। आउटस्टैंडिंग भाई, अगर मैं हालांकि घर पे बनाया लेकिन अगर किचन के अंदर बनाता ना ये वाला टेस्ट नहीं आता सच में, एकदम कैंपिंग वाला ही फील आ रहा है।
हालांकि बस जंगलों की कमी है बस। तो भाई सोचा नहीं था कि रात को जो है कि कंटेंट बना दूंगा मैं, और भाई कोई सोच नहीं सकता कि कुछ ऐसा भी समझो कि कभी देश की मैगी बनी थी। आई होप कि आप लोग कोई छोटा सा ब्लॉग जरूर से पसंद होगा। तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक करना, पता नहीं भाई ये वीडियो क्या बना, कुकिंग का बन गया है क्या बन गया। ठीक है कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ, बाय बाय।